मुमकिन है कि भविष्य में मालगाड़ियों पर आपको गार्ड्स नजर ना आए। मालगाड़ियों का संचालन बिना गार्ड के EOTT यानी एंड ऑफ ट्रेन टेलीमेट्री सिस्टम से किया जाएगा। उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर शिवम शर्मा ने बताया कि सिस्टम का सफल प्रयोग कानपुर यार्ड के टुंडला के बीच एक मालगाड़ी में किया जा चुका है। प्रयोग के बाद ऐसी 900 डिवाइस तैयार करने का ऑर्डर बनारस लोकोमोटिव वर्कशॉप को दे दिया गया है। इन डिवाइसेस को उत्तर मध्य रेलवे के झांसी, प्रयागराज और आगरा मंडल से चलने वाली मालगाड़ियों में इंस्टॉल किया जाएगा। इस रिपोर्ट में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मालगाड़ियों पर गार्ड का असली काम क्या होता है, जिनकी जगह अब मशीनें ले लेंगी। इस नए EOTT सिस्टम में क्या है और ये कैसे काम करता है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मालगाड़ियों में गार्ड का क्या काम है। गार्ड एक तरह से मालगाड़ी का सुपरवाइजर होता है। उसका मेन काम है ट्रेन को गार्ड करना। वह ट्रेन की हर गतिविधि पर नजर रखता है, हर स्टेशन पर सिग्नल एक्सचेंज कराना, खतरा भांपना, डिब्बों में किसी तरह की गड़बड़ी दिखने पर ड्राइवर को बताना, हैंडब्रेक लगाकर गाड़ी की गति को धीमा करना जैसे कई काम उसके जिम्मे होते हैं। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमने बात की एक लोको पायलट से, जो मालगाड़ी चलाते हैं और गार्ड के काम से भलीभांति परिचित हैं। उन्होंने बताया, आमतौर पर मालगाड़ी में 42 डिब्बे होते हैं। यात्री ट्रेनों से ये लंबी होती हैं। ज्यादातर स्टेशनों पर पटरियां 2-3 लाइनों में बटी होती हैं। मान लीजिए कि गाड़ी एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है, ड्राइवर ट्रेन के अगले हिस्से में होते हैं। ऐसे में उन्हें पता नहीं चल पाता कि पूरी गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ गई है या नहीं। हो सकता है कि उसका कुछ हिस्सा मुड़ नहीं पाया हो और पिछली लाइन पर ही हो। ऐसे में अगर कोई दूसरी गाड़ी उस पिछली वाली लाइन पर आ जाए तो एक्सीडेंट का खतरा हो सकता है। जहां से पटरी दो हिस्सों में बटती है, वहां पर बाउलिंग मार्क वाला पत्थर लगा रहता है। गार्ड ही लोको पायलट को ये बताता है कि पूरी ट्रेन उस लाइन में एंटर कर चुकी है या नहीं और बगल वाली लाइन पूरी तरह क्लियर है या नहीं। उसके बाद लोको पायलट गाड़ी को रोकते हैं। नाम ना बताते उन्होंने जानकारी दी कि लोको पायलट गार्ड के आदेश पर चलते हैं। गार्ड चेक करने के बाद ऑल राइट बोलता है तो हम ट्रेन को आगे बढ़ाते हैं। एक स्टेशन से निकलने के बाद दूसरे स्टेशन तक पहुंचने का समय निर्धारित रहता है। अगर ड्राइवर सही से गाड़ी नहीं चला रहा है, धीमे चला रहा है या फिर तेज चला रहा है, तो गार्ड ही ड्राइवर को अलर्ट करता है कि लेट हो रहा है, स्पीड बढ़ाइए या तेज है तो कम करिए। गार्ड नोट करता है कि फलां स्टेशन से फलां स्टेशन तक पहुंचने में कितना समय लगा। इसके अलावा गार्ड ये भी देखता है कि ट्रेन से कोई माल चोरी ना हो जाए। मालगाड़ी के किसी डिब्बे का गेट खुला रह गया, सामान गिर तो नहीं रहा, ये सारी चीजें भी गार्ड को देखनी होती हैं। अब आपको बताते हैं कि नया सिस्टम कैसे काम करेगा। अभी हमने आपको बताया गार्ड का क्या काम होता है, अब बात करते हैं नए ऑटोमेटिक सिस्टम के बारे में जो गार्ड की जगह लेने जा रहा है। ये EOTT यानी कि एंड ऑफ ट्रेन टेलीमेट्री सिस्टम लगभग 10 लाख रुपए का आता है। इसमें दो यूनिट्स होते हैं। एक यूनिट को CDO कहते हैं, यानी कार्ड डिस्प्ले यूनिट, जो इंजन में फिट होता है। दूसरा होता है SBU यानी सेंस एंड ब्रेक यूनिट, ये लास्ट डिब्बे में फिट होता है। ये दोनों रेडियो ट्रांसमीटर के जरिए एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। EOTT सिस्टम में GPS यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और GSM यानी कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन लगा होता है। इससे ये डेटा को आसानी से ट्रांसफर करते रहते हैं और इंजन और लास्ट कोच तक प्रॉपर कम्युनिकेशन बना रहता है। लोको पायलट ने बताया कि EOTT का मेन मकसद बाउलिंग मार्क बताना है। जो काम मैनुअली होता था, अब ऑटोमेटिक तरीके से सिस्टम काम करेगा। इसके अलावा ये सिस्टम इमरजेंसी ब्रेक लगाने में भी काम आएगा। ड्राइवर जब आपातकालीन ब्रेक लगाता है तो लास्ट वैगन में भी ब्रेक लग जाता है। EOTT सिस्टम में भी इमरजेंसी ब्रेक पावर होती है। इस सिस्टम से ब्रेकिंग सिस्टम और ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। यानी जो काम गार्ड का होता है, यानी ट्रेन के संचालन की जानकारी ड्राइवर को देना, अब ये सिस्टम वो काम करेगा। ड्राइवर को आखिरी कोच में लगी यूनिट की मदद से ट्रेन को पीछे तक की गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी। अब बड़ा सवाल ये भी है कि अब गार्ड्स का क्या होगा। ये बात सही है कि ये सिस्टम आने के बाद मालगाड़ियों में गार्ड की संख्या कम हो जाएगी, लेकिन उनकी छुट्टी नहीं की जाएगी। खबरों के मुताबिक EOTT सिस्टम के लगने के बाद मालगाड़ियों के गार्ड्स को ट्रेनिंग देकर पैसेंजर ट्रेनों में खाली पदों को भरा जाएगा। जो गार्ड बचेंगे उनको दूसरे कामों में लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड सभी मालगाड़ियों में EOTT डिवाइस लगाने की सैद्धांतिक मंजूरी नवंबर 2020 में ही दे चुका है। इसके बाद ईस्ट कोस्ट रेलवे भारत का पहला ऐसा
रेलवे जोन बना जिसने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की। अब देखना ये होगा कि बाकी जोन्स की मालगाड़ियों में ये सिस्टम कब तक लग पाता है। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी डेविड। मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।